कोल्ड ड्रिंक पे वीडियो देखे किस तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की कॉफी से कैंसर हो सकता है। गर्मियों का मौसम आते ही हमें मार्केट में कई सारी रंग बिरंगी बोतलों में कोल्ड ड्रिंक्स भर भर के देखने को मिल जाएगी। कई सारी कंपनीज कहती है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक पियो और आसमान की ऊंचाइयों को छू लो। कई कंपनीज कहती है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक पियो और डर को भूल जाओ। लेकिन कंपनियां ये नहीं कहती कि हमारी कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक्चुअली है क्या। आखिर ऐसा क्या है इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इन कोल्ड ड्रिंक्स को बैन करने की सलाह देते रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो सांसद है, पार्लियामेंट है, इसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स है इनको बैन कर दिया गया है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट है। लेकिन क्यों ये नॉर्मल सिटीजन के लिए मार्केट में खुलेआम बिक रही है? ना ही इनके ऊपर कोई हार्मफुल सिंबल लगाया है, टोबैको, सिगरेट और बीड़ी पैकेटों के ऊपर लगा रहता है। चलिए आपको बताता हूँ कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये हमारे बॉडी के लिए किस तरह हार्मफुल है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं उन वीडियोस को देखकर नहीं कह रहा कि वीडियोस दावा करती है कि हम कोल्ड ड्रिंक से टॉयलेट साफ कर रहे हैं, बल्कि जो वीडियो है पूरी रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। आइए जानते हैं कि ये रंग बिरंगी दिखने वाली कोल्ड ड्रिंक्स हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट करती है। 2015 में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में एक रिसर्च पब्लिश की गई थी जो कि एक दुनिया के बहुत बड़े हेल्थ साइंटिस्ट फ्रेड मेरेडिथ ने की थी। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि कोल्ड ड्रिंक को लेने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक घंटे में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। आपको ये बता दूं कि जो पूरी रिसर्च है ये 350 ml के कोल्ड ड्रिंक के कैन के ऊपर की गई थी। इस रिसर्च के मुताबिक जब 350 ml की कोल्ड ड्रिंक आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो इसके अंदर लगभग 10 चम्मच चीनी होती है। ये आपकी पूरी बॉडी के दिन भर के रिक्वायरमेंट के बराबर है। आमतौर पर अगर हम 10 चम्मच चीनी एक बार में खाए तो हमें उल्टी हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक पीते टाइम हमें उल्टी इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये तो बात होगी कोल्ड ड्रिंक पीने के 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। कोल्ड ड्रिंक के पीने के 20 मिनट बाद हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाती है। इसी के कारण जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन है उसका फ्लो भी एकदम से बढ़ जाता है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन लगता है तो वो अपने ऊपर लीवर इस बढ़ी हुई शुगर को फैट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू रूप में हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है। इसे नॉर्मली कहा जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद लगभग आधे घंटे या फिर 40 मिनट के बाद हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जाइज फील होता है। हमारी बॉडी के अंदर हमें थकान बिल्कुल नहीं होती और हमें जो नींद आ रही होती है वो हमारी एकदम से गायब हो जाती है। ये जो होता है ये होता है कैफीन की वजह से। अभी जो कैफीन है ये हमारी बॉडी के अंदर जो बीपी है उसको एकदम से बढ़ा देता है, जैसे के कारण जो हमारा लीवर है वो और भी ज्यादा शुगर छोड़ना शुरू कर देता है। लगभग 45 मिनट के बाद हमारी बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर खुशी के भाव प्रोड्यूस करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हीरोइन जैसी ड्रग्स है वो भी इसी की तरह काम करते हैं। एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी ये जो डोपामाइन है ये बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इसी के कारण उनको बार बार लेने की इच्छा जगाती है। अब लगभग एक घंटे के आसपास जो फॉस्फोरिक एसिड है वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। जो जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करता है, इसी की वजह से आप यूरिनेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो आपने कोल्ड ड्रिंक पीती है उसके अंदर जितना भी पानी है वो पेशाब के रूप में निकल जाता है। फॉस्फोरिक एसिड और कैफीन मिलकर हमारी बॉडी के अंदर जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम को बोन्स तक नहीं पहुंचने देता और इसी के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लगभग एक घंटे के बाद हमारी बॉडी के अंदर वापस थकान होना शुरू हो जाती है और इसी की वजह से हमारा जो शरीर है वो ठीक से हाइड्रेटेड नहीं हो पाता, यानी कि कोल्ड ड्रिंक हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है उसे सुखा देती है। इसका मतलब साफ है कि जिस कोल्ड ड्रिंक को आपने अपनी प्यास बुझाने के लिए ली थी वो आपकी प्यास और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसी साइकिल के चलते आपको वापस कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। दोस्तों अगर आपको इस रिसर्च पे भरोसा ना हो आप इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और लगभग एक घंटे के अंदर अंदर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है हमारी बॉडी को पूरी तरह अफेक्ट कर देती है। अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NCDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को
फूड ने पेप्सी, कोको कोला, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट और सेवन अप इन सब के सैंपल भेजे। इसके अंदर लेड, कैडियम, क्रोमियम और DEHP जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए गए। अभी जो पांचों कोल्ड ड्रिंक के सैंपल्स हैं, इन्हें नेशनल टेस्ट हाउस ऑफ कोलकाता भेजा गया था और रिपोर्ट में भी यही पाया गया कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो लगभग पॉइजन के बराबर है। अब ये तो बात हो गई इंडिया की, अब हम पूरी दुनिया में देखें तो अमेरिका के हार्ट एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके अंदर भी कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल को खतरनाक बीमारियों को अपनी बॉडी के अंदर बुलावा देना बताया गया था। जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसके कारण पूरी दुनिया में लगभग 2.25 लाख लोग मरते हैं और लगभग 1.5 लाख लोग इसकी वजह से डायबिटीज का शिकार बन जाते हैं। लगभग पूरी दुनिया में 6,000 कैंसर के मरीज इन कोल्ड ड्रिंक की वजह से अफेक्ट होते हैं। अब ये सब बात हो गई इंसानी बीमारियों के बारे में, अब बात करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। अब हम बचपन से ये तो जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जो पानी है वो लिमिटेड अमाउंट में है। हाल ही में की गई कोला कंपनी की एक रिसर्च में बताया गया कि एक आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए लगभग 35 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। आपको ये समझना चाहिए कि जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां है ये हमारी बॉडी को तो इफेक्ट कर ही रही है, साथ ही साथ इतने सारे पानी को भी वेस्ट कर रही है। अगली बार जब आप कोल्ड ड्रिंक पियो तो ये याद रखना कि सिर्फ आप अपनी बॉडी को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि आप इतने सारे पानी को भी वेस्ट कर रहे हैं। है ये तो आपको तय करना है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर देना। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भीम।